अस्सलाम वालेकुम, मेडिसिन की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ फार्मासिस्ट अमीन शाह। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ब्रिकी टेबलेट के बारे में, जिसकी फॉर्मुलेशन है मिसोप्रोस्टोल। ब्रिकी टेबलेट यानी मिसोप्रोस्टोल किन किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, नुकसानात कौन कौन से हैं और ब्रिकी टेबलेट इस्तेमाल करके आप किस तरह 12 हफ्तों तक के हमल को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, ये सब हम आपको आज की वीडियो में आसान अल्फाज में समझाएंगे। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल मेडिसिन की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेडिसिन्स के बारे में, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में हमारी मुफीद और मालूमती वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। व्यूवर्स, मुख्तलिफ दर्द कुश अद्वियात जैसा कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन और डिक्लोफेनिक वगैरह, इन अद्वियात के इस्तेमाल से स्टोमक अल्सर यानी मैदे में ज़ख़म पैदा होने का ख़तरा होता है, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो पहले से ही मैदे की किसी बीमारी का शिकार हो, उनमें ये ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर ऐसे लोगों को स्टोमक अल्सर यानी मैदे के ज़ख़म से बचाने के लिए दर्द कुश अद्वियात के साथ साथ मिसोप्रोस्टोल भी इस्तेमाल करवाई जाती है। मिसोप्रोस्टोल के इस्तेमाल से मैदे में तेज़ाब बनने का अमल आहिस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से मैदे की जलन और तेजाबियत का ख़त्मा हो जाता है। हमला ख़वातीन स्टोमक एसिडिटी के लिए मिसोप्रोस्टोल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे बच्चा ज़ाया हो जाएगा। ब्रिकी टेबलेट यानी मिसोप्रोस्टोल प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए भी दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। अबॉर्शन यानी इस्कात हमल के लिए ब्रिकी टेबलेट का इस्तेमाल हमल के इब्तदाई 8 से 12 हफ्तों तक कारामद रहता है, उसके बाद ये अमल कदरे पेचीदा बन जाता है। यानी ब्रिकी टेबलेट इस्तेमाल करके आप 12 हफ्तों तक के हमल को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सेल्फ अबॉर्शन के लिए ब्रिकी टेबलेट किस तरह इस्तेमाल करें। इसका जवाब यह है कि अबॉर्शन के लिए ब्रिकी टेबलेट की मिकदार का ताल्लुक आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पर मुनहसर है। यानी अगर आप 4 हफ्तों की प्रेग्नेंट है तो आपके लिए ब्रिकी टेबलेट का डोज अलग होगा, और अगर कोई 12 हफ्तों की प्रेग्नेंट होगी तो उसके लिए डोज अलग होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात नोट कर ले, ब्रिकी टेबलेट कोई आम इस्तेमाल की दवा नहीं है, ख़ास तौर पर अबॉर्शन के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी मुस्तनद डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही करना है, ताकि आपकी अबॉर्शन बिना किसी ख़तरे के आसानी और महफूज तरीके से हो जाए। अब बात करते हैं ब्रिकी टेबलेट यानी मिसोप्रोस्टोल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ब्रिकी टेबलेट इस्तेमाल करते हुए आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है: डायरिया, चक्कर आना, उल्टी, पेट का दर्द, गैस, कब्ज, सर दर्द, हीस का दर्द और हैवी विजाइनल ब्लीडिंग। इन कैफियत की सूरत में अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह मेडिसिंस के बारे में, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में हमारी मुफीद और मालूमती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा चैनल मेडिसिन की दुनिया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।